अब जानते हैं आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो देखिएगा परफेक्ट यहाँ पे देखिएगा चार्ट टेलीग्राम पे पोस्ट किया गया था, उससे परफेक्ट प्रॉफिट हुआ है। फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन करिएगा। कल का दिन भी बहुत वोलाटाइल रहने वाला है, क्योंकि कल बहुत सारे आउटकम हैं। मल्टीपल आउटकम के बाद कल देखिएगा जो पोजिशनिंग होगी वो कम या हल्की या देखिएगा तेज, ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से एक्सपायरी हमारी होने वाली है मंथली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेकआउट करेंगे, तो बात को सबसे पहले शुरू करेंगे अच्छी चीज़ों से। क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या आउटलुक बन रहा है इंडिया का, इंडिया का आउटलुक कैसा बन रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, ये बहुत मायने रखता है। तो आप देख सकते हैं IMF यहाँ पे क्या कह रहा है। IMF ने इंडिया का जो ग्रोथ आउटलुक है, बहुत देखिएगा बहुत कम अच्छा बोलते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, जो इंटरनेशनल देखिएगा रेटिंग एजेंसी, इंडिया के बारे में बहुत कम अच्छा बोलते हैं, बहुत दब दब के, यानी कि जब 100% होने वाला होगा तो 25% अच्छा बोलेंगे, तो इस तरीके से रहता है सिनेरियो। तो आप देख सकते हैं कि अगर बोल रहे हैं तो एटलीस्ट समझिएगा कुछ ना कुछ वो समझ भी रहे हैं। और जब IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे देखिएगा टॉप लीडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिया का आउटलुक सुधारने की कोशिश करते हैं या फिर उसका व्यू अच्छा देते हैं, तो FII अट्रैक्ट होते हैं। FII से देखिएगा पैसा आता है कैपिटल मार्केट में, और देन आफ्टर दैट आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है जो पिछले 3 महीने में आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखिएगा, स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग को देखने के बाद, जो Q4 अर्निंग आई है उसको स्ट्रॉन्ग देखिएगा, उसमें अर्निंग देखने के बाद IMF ने यहाँ पे पूरी तरीके से रेज करा है अपना देखिएगा यहाँ पे टारगेट, कि इंडिया की ग्रोथ काफ़ी बेटर हो सकती है कंपैरेटिवली टू द अदर एशियन कंट्रीज। आप देख सकते हैं रिफ्लेक्ट रोबस्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट सेज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडिया में, दैट्स वाई यहाँ पे काफ़ी बढ़िया पैसा बन रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे IMF ने हैड अप्रैल फोरकास्ट GDP ग्रोथ इज 5.9 थी फॉर FY24। आप समझ सकते हैं कि हम काफ़ी बेटर पोजीशन में जा रहे हैं, धीरे धीरे करके हम काफ़ी बेटर पोजीशन में जा रहे हैं। ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक प्रोजेक्शन देखिएगा वो भी 3% हो चुका है, जो कि 2.8% था। ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन फॉल टू 6.8% इन 2023 में। तो आप देख सकते हैं ये सारी मल्टीपल ग्लोबली भी कहेंगे तो पॉजिटिव देखिएगा आउटलुक है, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, क्योंकि अपडेट आ जाइए तो ये इम्पैक्ट करेगी कल बाजार को, चूँकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेस से बढ़ते हुए इंडिया की इकॉनमी देखने को मिल सकती है इस साल भी, चाहे वो RBI हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे IMF हो। IMF ने बोला है 6.1, RBI ने बोला है 6.5, एशियन डेवलपमेंट ने बोला है 6.4। तो इसका मतलब है इंडिया काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हब बन रहा है किसके लिए, FIIs के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कल के लिए एक और अच्छी अपडेट ये है कि HDFC बैंक का ADR अभी भी 1% ऊपर ट्रेड हो रहा है, और आपको पता है कि ये काफ़ी बड़ी अच्छी अपडेट है, चूँकि आज पूरा होल्ड ऑन जो किया था HDFC बैंक ने किया था, आपने फिन निफ्टी में भी देखा कॉल हीरो बनी, कल बताया गया था आपको। और देखिए सिनेरियो समझने की कोशिश करिए, सिनेरियो क्या है, चूँकि अभी इतनी जल्दी मार्केट को हल्के होने के लिए कम से कम FIIs को 4,000-5,000 करोड़ की सेलिंग करनी पड़ेगी, तब आपके मन में डर बैठना चाहिए, उससे पहले नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी आज भी गिरा था, और आपको पता है अभी भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे अगर लिटिल बिट शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिलता है तो इससे अच्छी बात नहीं होगी, स्कैल्प कर सकते हो आप, क्योंकि पॉजिटिव कई सारी अपडेट हैं। और यहाँ पे अभी आप देख रहे हो बॉन्ड मार्केट बॉन्डिंग से लेकर अब तक फेड के आउटकम को लेकर काफ़ी अप है, चाहे वो देखिएगा वेस्टर्न नेशंस का हो और चाहे वो देखिएगा आपका अमेरिका का हो। लेकिन कल आपको स्कैल्प करना है, अगर हम डाउन खुलते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली, जैसे मैंने आपको बताया था आज पॉजिटिव खुलेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हम पॉजिटिव ही खुलेंगे, लेकिन डाउन भी खुलते हैं तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी टुमारो कि आप वहाँ पर ट्रेड करो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर आप चेकआउट करोगे तो मुझे लगता है कि कल के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। मुझे लगता है ये लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। कल का सपोर्ट आराम से अगर 45,650 के नीचे
ज़्यादा देर ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तभी डाउन ट्रेंड आएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको कॉल बाय करनी है, यहाँ पे आपको इन द मनी की कॉल बाय करनी है। आपको अच्छा स्कैल्प मिलेगा, जैसे कि आज मिला लोगों को, आज बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने देखिएगा एक कॉन्फिडेंस रखा मार्केट में, तो उनको पैसा बना भी और बहुत शानदार बना। चूँकि अभी बैंक निफ्टी इस ट्रेजेक्ट्री में है कि जब तक वो 650 का लेवल होल्ड कर लेती है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना हो। और ऊपर की तरफ आपको पता है 880 एक हर्डल है और फिर है 960। अगर ये दोनों हर्डल पार हो जाते हैं, 880 का भी एक कॉन्फिडेंस के साथ हर्डल पार हो जाता है, तब आप कॉल बाय करें। फिर से ऊपर की तरफ 46,000 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और अगर आप बात करेंगे निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में फिर से वही सिनेरियो है। निफ्टी में नीचे के द्वार जो खुले हैं वो खुले हैं 9640, यहाँ पे आप अच्छी कॉल बाय कर सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। और अगर इससे नीचे कहीं 19600 के आसपास मार्केट देखने को मिल जाती है तो इससे तो अच्छी बात ही नहीं हो सकती। तो इन जगह पे आप बाइंग कर सकते हो, इन द मनी की कॉल स्कैल्प करके प्रॉफिट बना सकते हो। ऊपर की तरफ तब तक नहीं सेलिंग करनी है जब तक 780 का लेवल देखने को नहीं मिलता। 19780 पे हर्डल है, वहाँ पे अच्छी देखिएगा प्रेशर बनाया जा सकता है मार्केट पे। तो ऊपर की तरफ आप याद रखिए इन द मनी का पुट कब बाय करना है। वैसे आप अगर गैप डाउन खुलते हैं या फिर थोड़ा बहुत लिटिल बिट भी प्रेशर के साथ खुलते हैं, फ्लैट खुलते हैं, तो आप शॉर्ट कवरिंग के लिए जाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।